बोलो कृष्ण सुभद्रा माता की जय, यमराज यमुना माता की जय। आप सभी को भैया दूज के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम आप लोगों को हम शेयर करते हैं कि भैया दूज क्यों मनाई जाती है। भैया दूज से तो हम आपको बता रहे हैं, हमारे वीडियो पर आप तब तक बने रहिए। इस दिन श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध करके अपनी बहन सुभद्रा के यहाँ मिलने गए थे। दूसरा कथा ये है, यमुना माता ने अपने भाई यम को गोलोक में बुलाए थे, निमंत्रण दिया था कि हमारे यहाँ आ जाइए, भोजन खिलाने के लिए निमंत्रण दिया था। तो फिर उन्होंने क्या किया था, सब जितने नरक वासियों थे उन निवासियों को मुक्त कर दिया था। तो फिर उस दिन से तभी से भैया दूज मनाई जाती है। भाई बहन के यहाँ जरूर जाते हैं बहन, और इसमें राधा कुंड में स्नान भी किया जाता है, यमुना कुंड में स्नान करते हैं भाई बहन। वहाँ पे उनकी उम्र के लिए मनोकामना होती है कि हमारे भाई बहन का उम्र सही रहे, और उनके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए भी मान्यता मांगती हैं, और साथ में भोजन करती हैं, उनके तिलक लगाती हैं। और तभी से भैया दूज मनाने जाने लगा, इसका बहुत बड़ा प्रसिद्ध हो गया और शुभ कारी माना गया है। बहन भाई को गोला देती हैं, टीका करती हैं और भोजन खिलाती हैं, आरती करती हैं और बहन को गिफ्ट देते हैं आशीर्वाद के रूप में। बहन भी अपने भाई को कुछ न कुछ देती हैं, बहन के घर जाते हैं तो गिफ्ट देती हैं। भाई बहन का त्योहार इसलिए मनाया जाता है, साथ में भगवान यम उनको आशीर्वाद देते हैं। जो भाई अपने बहन के यहाँ जाती है, साथ में प्रेम पूर्वक छल कपट नहीं हो, इस तरह जाते हैं तो यम भगवान खुश होते हैं।